Greetings on behalf of We Can Inspire. For your information, I am Dr. S.R.K. This video is for those who have joined class 11th, either in the humanities section or in the commerce section. ये उनके लिए जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज 11th में ज्वाइन किए हैं. आने वाले समय में वे क्या करना चाहेंगे, या तो वे आगे अगर कॉमर्स में है तो बी कॉम, बी बी ए, अलग अलग प्रकार के बी कॉम, बी बी ए वगैरह में जाना चाहेंगे, चाहे वो अपने ही शहर में वो हो या किसी दूसरे शहर में. तो उनको तो यह भी जानकारी चाहिए कि दूसरे शहरों में कहाँ पर बी बी ए पढ़ना अच्छा रहेगा, कहाँ बी कॉम पढ़ना अच्छा रहेगा, किस प्रकार के कॉलेज होंगे, यह तो जानकारी रखनी होगी. यह तो अलग बात हुई. उसी तरह जो ह्यूमैनिटीज़ में है वो चाहेंगे कि लॉ में प्रवेश करें, या फैशन डिज़ाइनिंग में जाएं, या रूरल डेवलपमेंट में जाएं, यानी रूरल मैनेजमेंट में जाएं, या मीडिया में जाएं. इस प्रकार के कई लोग भी जो ह्यूमैनिटीज़ में हैं वे होंगे. और कई लोग ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में हैं जो चाहेंगे कि या तो वो सिविल सर्विसेज करें, या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम पास करें, या आर्मी में जाएं, या टीचर बने, चाहे रिसर्च वर्क करें. ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगे जो 11th में ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में प्रवेश किए हैं. क्या करना चाहिए, पहले से क्या तैयारी करें, तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल आसानी से यह संभव है. नंबर वन, अपने बेसिक्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिए. यानी अगर आपने 100 बेसिक क्वेश्चन शुरू से आप तैयार किए हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस के 100 बेसिक क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं लिखित रिटन में, अगर आप रेडी होते हैं शुरू से ही, बिल्कुल आरंभ से ही, यानी डे वन से ही, अगर आप 100 बेसिक क्वेश्चन अगर आप अपने पास रखते हैं, उसके आंसर बिल्कुल 3 to 5 बिटवीन 10 लाइंस में अगर आपके पास आंसर है, तब आप कभी भी अपने बेसिक्स में फेल कभी नहीं करेंगे, आपके डोमेन में कभी भी फेल नहीं करेंगे. यानी शुरू से व्हाट इज़ दिस का ख्याल ज़रूर से रखिएगा. यानी इसको कैसे डिफाइन करें, परिभाषित करें, अपने शब्दों में कैसे करें, यह बिल्कुल क्लियर रखिएगा, तब आप फेल कभी नहीं कर सकते हैं. फेल इन द सेंस कि आप अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ में फेल कभी नहीं कर सकते हैं. किसी भी रिटन एग्जामिनेशन में आप असफल कभी नहीं हो सकते. दिस इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, प्लीज़ फॉर गॉड सेक रीड अ न्यूज़पेपर. एक अखबार अवश्य पढ़ें, और कोशिश करें कि अखबार में आपको जो जानकारी मिले वह बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से जानकारी मिले. पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ करके बाकी सब आप पढ़ सकते हैं. स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, घटना हो रहा हो, उसके बारे में पढ़िए. जहाँ तक संभव हो कम से कम 3 पॉइंट आप डे टू डे लिखिए जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं. नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क समबडी to explain to you what is this, either in the class or some friend or some seniors or some relatives, please ask. But please note down 3 points, keep a separate copy if possible, and note down 3 points, only 3 points from the newspaper. This is point number two. Point number three is, please and please read 2 books in 2 years. You know, any 2 book in 2 years. It may be related to environment, or related to science, or related to a fiction, or related to a story, or related to inspiring people. If it is inspirational people, बहुत अच्छी बात है. जो inspirational लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छी बात है. Self development से ही related हो तो उसके बारे में पढ़िए. 2 books तो अवश्य अपने 2 years में पढ़िए. आप कहिएगा कि टाइम नहीं मिलता है, असाइनमेंट बहुत होता है, बहुत कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है, बहुत कुछ और करना पड़ता है. नहीं, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में आपको समय ज़रूर मिलेगा. मैं साइंस वाले की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा. पॉइंट नंबर फोर, बहुत कुछ प्रैक्टिकली अपने चारों ओर जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए. प्लीज़ ऑब्जर्व व्हाट इज़ गोइंग ऑन प्रैक्टिकली. अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड कॉमर्स प्रैक्टिकली. इट मीन्स हाउ डज रियली अ बिजनेसमैन रन अ बिजनेस, वेदर इट्स अ ग्रोसरी शॉप, वेदर इट इज़ सेल यू नो अ वेंडर, ये जाने. या अगर आप यानी इकोनॉमी से और
नो अर्थशास्त्र से, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, नहीं भी हैं तो जानकारी हासिल कीजिए कि कैसे यह देश चल रहा है, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कैसे इनकम हो रहा है, रियल टाइम प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यह जानकारी हासिल कीजिए। अगर आप यह सब सीख पाते हैं, अगर खुद से नहीं होता है तो किसी न किसी से कोशिश कीजिए सीखने का, पूछें, आपको अवश्य हेल्प मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर पूछेंगे लोगों से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आज के डेट में अगर कोई कहे कि जानकारी के कमी के कारण नहीं सीख पाए, देन इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड विथ वी कैन इंस्पायर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, वी विल ऑलवेज बी एबल टू टेल यू व्हाट टू डू, वेयर टू गो, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, वी शैल बी एबल टू टेल यू, व्हाट एवर हेल्प वी कैन डू वी विल डू, अदरवाइज वी विल गाइड यू टू होम टू गो विदाउट चार्जिंग यू एनीथिंग। बट ऑफकोर्स फॉर अवर सर्विसेज there shall always be a small fee, but we can really help you in many of these things, guide you in many of these things. At least we'll be able to talk to you and explain to you, even if initially we don't charge anything, just to help you out. Do reach out because you will need help somehow or the other. कोशिश कीजिएगा हमसे संपर्क करने का। हम लोग आपके लिए हमेशा inspiration बनकर ही खड़े रहेंगे इस सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी समवॉट हेल्पफुल टू यू। डू लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट, वी शैल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।